फ्रेंड्स, आज के स्नैचर फूड में हम बनाने जा रहे हैं, मैं बना रहा हूँ आलू के पराठे। तो जल्दी जल्दी फटाफट वाला काम है और फटाफट इसको बनाएंगे। ये हमने आलू में प्याज और काली मिर्च और मिर्ची और कुछ चीज़ें लहसुन, वो सब हमने इसको काट के थोड़ा बारीक करके आलू को उबाल के स्मैश करके पूरा रख दिया है। अब ये आटा मैंने छान लिया है और ये अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। ये हमने आटे का लोई बनाया और इसमें ये आलू रखा। अब हम इसको बिल्कुल ऐसे करके इसको बेल देंगे। ये हमने इसको बेल लिया है और अब इसको हम पकाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हमने तवा गरम करके इस पर रख दिया है। फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम है और ये पकेगा। इसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगा ऊपर से, पहले थोड़ा पक जाए। फ्रेंड्स, एक तरफ पक गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने इसको पलट दिया है। धीरे धीरे इसको पका रहा हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, एक पराठा मेरा तैयार हो गया, अच्छी तरह से पक गया है, बहुत अच्छी आ रही है। दूसरा मैंने वापस डाल दिया है। देखिए, मैंने इसको पलट दिया है, तरफ पकड़ पक गया है। और आलू के पराठे थोड़े मोटे भरे हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ पक रहा है, हल्का हल्का तेल लगाया मैंने इसे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ये मैं खुद से बना रहा हूँ। दूसरा भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। और ये तीसरा मैंने रखा है, कुल 6-7 बनाऊंगा। आप देख सकते हैं, ये तीसरा पराठा पकते हुए तेल डाल रहा है मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर साइड में। घर का बनाया हुआ चीज़ बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल प्राकृतिक होता है, साफ सुथरा। जब मैंने पलट दिया इसको, दोनों तरफ से अच्छा पक रहा है। तीसरा पराठा आप देख सकते हैं, कितने अच्छी तरह पका हुआ है। चौथा रख दिया मैंने, पक रहा है चौथा पराठा, अच्छी तरह से सिक रहा है। पूरा बन जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, पराठे हमारे तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये हमारे पराठे तैयार हो गए। आई होप यू लाइक दिस कुकिंग। आप देख सकते हैं, खूबसूरत पराठा, भरे आलू, मोटे मोटे पराठे।